और अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां सीटू का 3 दिवसीय कार्यक्रम रीवा स्थित SAF चौक के पास सिंधु भवन में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के पहले दिन भारी संख्या में संगठन के लोगों ने एक रैली निकाली। उक्त रैली शहर का भ्रमण करते हुए कमिश्नर कार्यालय के पास पहुंची, जहां उसका समापन हुआ। आपको बता दें कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के संगठन के 3 वर्ष के कार्यकाल के कार्यों की समीक्षा और आने वाले समय के लिए योजनाओं के बनाने के साथ साथ पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजन किया गया है। आयोजित शिविर और कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक रैली हुई है, जो यह बताती है कि रीवा जिले में श्रमिकों का विश्वास सीटू के साथ बड़ा है और हम श्रमिकों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में पदाधिकारियों ने क्या जानकारी दी है। देखिए, हमारा राज्य का सम्मेलन 14वां राज्य सम्मेलन हर 3 साल में एक बार होता है, वो आज से शुरू हुआ है। तो आज जो है यहाँ इस इलाके में जो हमारा CITU का संघर्ष और CITU संघर्ष के रास्ते का ही संगठन है, एकता और संघर्ष हमारा नारा है। तो यहाँ जो हमारे 4 साल से जो संघर्ष हुए हैं, उन संघर्षशील साथियों ने इस इलाके में अपनी एक रैली निकाली और जैसा आपने देखा कि मुझे लगता है कि रीवा की अब तक की ऐतिहासिक रैलियों में से एक रैली ये हुई और इससे साबित हो गया कि रीवा में CITU का जन संगठन न सिर्फ मजबूत हो रहा है बल्कि मजदूरों का विश्वास भी बढ़ रहा है। ये सम्मेलन का शुरुआत हो रही है, अभी 4 बजे से हमारा सम्मेलन होगा, वो अब 3 दिन तक आने वाले आज और कल और परसों वहाँ हमारे प्रतिनिधि सत्य होंगे अब, और उनमें हम संगठन के आज के हालात के बारे में और संगठन की परिस्थिति के बारे में और मजदूरों के समक्ष क्या मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे और उसके संघर्ष की योजना बनाएंगे और संगठन को मजबूत करने का रास्ता तय करेंगे हम। और उसके आखिरी में 3 तारीख को आखिरी सत्र में आने वाले 3 वर्ष के लिए नए राज्य नेतृत्व का निर्वाचन करेंगे। तो ये सम्मेलन की शुरुआत के लिए एक ऐतिहासिक रैली करके आगाज किया है हमने उस सम्मेलन को करने का। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।